वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हेयर आई एम विद योर थर्ड चैप्टर ऑफ SST, द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन्स। सो लर्निंग पॉइंट्स आर द नॉर्दर्न माउंटेन्स, लाइफ इन द माउंटेन्स। द नॉर्दर्न माउंटेन रेंज इन इंडिया आर द हिमालयाज माउंटेन रेंज। द हिमालयाज स्टैंड ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। जो हमारी नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है इंडिया की, वो कौन सी है? हिमालयाज माउंटेन रेंज। और ये कहाँ लाया करती है? इंडिया के नॉर्थ में। We have already studied that India is a vast country. All the major landforms such as mountains, plateaus, plains, coasts and deserts are found here. हम सभी जानते हैं कि इंडिया एक वास्ट यानी कि बड़ी कंट्री है और हर तरह के लैंडफॉर्म्स, चाहे फिर वो माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, कोस्ट है, डेजर्ट है, यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द नॉर्दर्न माउंटेन्स। द नॉर्दर्न माउंटेन्स हैव टू माउंटेन रेंज। जो हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं उनमें मेनली दो रेंज हैं। फर्स्ट वन इज हिमालयाज एंड काराकोरम। एक है हिमालय रेंज और एक काराकोरम रेंज। द काराकोरम रेंज लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हिमालयाज। जो काराकोरम रेंज है वो कहाँ पर लाई करती है? नॉर्थ वेस्ट में हिमालयाज के। द हिमालयाज एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। और जो हमारे हिमालयाज है वो कहाँ तक एक्सटेंड है, कहाँ तक फैली हुई है? वेस्ट में जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश ईस्ट तक। ओके, इट्स टोटल लेंथ, इसकी कंप्लीट टोटल लेंथ कितनी है? इज़ अबाउट 2500 किलोमीटर्स, लगभग 2500 किलोमीटर्स। एंड इट्स विड्थ इज़ बिटवीन 150 to 400 किलोमीटर्स। और इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 150 से लेके 400 किलोमीटर्स तक होती है। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। हम सभी जानते हैं हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट लाइज इन हिमालयाज। ये कहाँ लाई करती है? हिमालयाज में। इट्स हाइट इज, इसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर्स। माउंट गोडविन और K2 इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट पीक आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट है, और जो सेकेंड हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? माउंट गोडविन या फिर K2। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में अगर हम जाएँ, द हिल रेंज आर नॉट वेरी हाई। तो हिल रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी ऊँचाई नहीं है। दे आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, और वो घने जंगल से कवर्ड है। द मेन हिल रेंज इन द रीजन आर, और जो मेन हिल रेंज है इस रीजन की वो कौन सी है? गारो, खासी, जेनेटिया, नागा एंड मीजो हिल्स, ये मेन हैं। द हिमालयाज कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पैरेलल माउंटेन रेंज। और जो हिमालय रेंज है हमारी, वो थ्री पैरेलल माउंटेन रेंज में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज हिमाद्री, जिसको हम बोलते हैं द ग्रेटर हिमालयाज। सेकेंड हिमाचल, द मिडल और द लेसर हिमालयाज। एंड शिवालिक, द लोअर हिमालयाज। ओके, लेट्स रीड अबाउट हिमाद्री फर्स्ट। हिमाद्री द ग्रेटर हिमालयाज। द ग्रेटर हिमालयाज आर इन द एक्सट्रीम नॉर्थ। जो ग्रेटर हिमालयाज हैं वो कहाँ पर हैं? नॉर्थ में। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द हिमाद्री रेंज, इसको हम हिमाद्री रेंज भी कहते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट रेंज इन द हिमालयाज विद एन एवरेज हाइट ऑफ ओवर 6000 मीटर्स। जो हमारी हिमालय रेंज है उसमें इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, कितनी है? 6000 मीटर्स। इट रिमेन्स स्नो कवर राउंड द ईयर, और इसीलिए पूरे साल ये बर्फ से ढकी हुई रहती है। एट सम प्लेसेस द लेयर्स ऑफ स्नो कलेक्ट एंड फॉर्म अ स्लो मूविंग रिवर ऑफ स्नो कॉल्ड ग्लेशियर। और ये कई जगह पर, किसी किसी जगह पर जो लेयर है स्नो की वो कलेक्ट हुई रहती है और वो धीरे धीरे मूव करती रहती है रिवर पे, पानी की तरह, मतलब वो आइस के टुकड़े जो हैं वो मूव करते रहते हैं रिवर में, और उनको हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर्स। दीज ग्लेशियर्स मूव स्लोली डाउन द माउंटेन्स, और ये जो ग्लेशियर्स हैं ये माउंटेन से धीरे धीरे नीचे आते रहते हैं। वेन दीज ग्लेशियर्स रीच वार्मर रीजन दे मेल्ट, और जब ये ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ पर गर्मी होती है, जहाँ पर एटमॉस्फेयर गर्म होता है, तो वो धीरे धीरे वो जो आइस के टुकड़े हैं वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट, और जिसकी वजह से क्या होता है? रिवर सच एज गंगा, यमुना, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम दीज मेल्टिंग ग्लेशियर्स।
इन ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से हमें कौन सी रिवर्स मिलती हैं? गंगा, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्र। ओके, ये यहीं से ओरिजिनेट होती हैं। सम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स, कुछ और हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं सच एज, जैसे कि माउंट कंचनजंगा एंड माउंट अन्नपूर्णा आर फाउंड हेयर, वो भी यहीं पर देखने के लिए मिलती हैं। द हिमाद्री रीजन इज सो हाई, जो हिमाद्री रीजन है क्योंकि वो हाईएस्ट है, वो बहुत ज़्यादा हाई है और एंड कोल्ड, और बहुत ज़्यादा ठंडा होता है वहाँ पर। दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल एंड एनिमल टू लिव देयर, इसीलिए यहाँ पर किसी भी एनिमल के लिए सर्वाइव करना या ह्यूमन बींग के लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। वेरी फ्यू प्लांट्स कैन ग्रो एंड सर्वाइव हेयर, बहुत ही कम कोई ऐसा पेड़ पौधा होता है जो यहाँ पर सर्वाइव कर पाता है। नेक्स्ट, हिमालय रेंज द मिडल और लेसर हिमालयाज, यानी कि ये हमारी मिडल रेंज है, हाईएस्ट रेंज थी हमारी हिमाद्री। हिमाचल रेंज आर फाउंड बिटवीन द हिमाद्री एंड शिवालिक रेंज, जो हमारी हिमाचल रेंज है ये कहाँ मिलती है देखने के लिए? ये हमें मिलती है हिमाद्री और शिवालिक के बीच में। ओके, दीज माउंटेन्स आर लोअर देन हिमाद्री रेंज, जो हिमाद्री रेंज में है हमारी उससे ये लोअर, यानी कि उनसे इनकी हाइट कम है इन माउंटेन्स की। दे आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, और यहाँ पर घना जंगल देखने के लिए मिलता है। कंटेनिंग ट्रीज, कौन से ट्रीज यहाँ पर मिलते हैं आपको मेनली देखने के लिए? देवदार, पाइन, ओक एंड फिर। द लोअर स्लोप ऑफ दीज रेंज हैव फ्रूट ऑर्किड एंड इन द ईस्ट वी फाइंड टी प्लांटेशन, और जो इसका लोअर स्लोप, जो हल्की ढलान है इस रेंज पर, वहाँ पर हमें कुछ फ्रूट ऑर्किड यानी कि फलों के बागीचे देखने के लिए मिलते हैं। एंड ईस्ट इन और जो ईस्ट एरिया है वहाँ पर टी प्लांटेशन यानी कि चाय पत्ती की खेती होती है। इन दिस रीजन, इस रीजन में द क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर कल्टिवेशन, जो क्लाइमेट होता है वो कल्टिवेशन के लिए अप्रोप्रिएट है, सुटेबल है। समर्स आर कूल एंड प्लेजेंट वाइल विंटर्स आर वेरी कोल्ड, यहाँ पर जो गर्मियाँ होती हैं वो ठीक होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, प्लेजेंट होती है। और जो सर्दियाँ होती है, सर्दियों में यहाँ पर ठंड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इन द हिमाचल रीजन, हिमाचल रीजन में मैनी ब्यूटिफुल हिल्स, हिल स्टेशन लाइक शिमला, मनाली, नैनीताल, अल्मोड़ा, मसूरी, गंगटोक, धर्मशाला एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड। हिमाचल रीजन में बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं जहाँ पर आप लोग अपनी वेकेशंस को इंजॉय करने जाते हैं, लाइक शिमला, मनाली, नैनीताल, अल्मोड़ा, मसूरी, गंगटोक, धर्मशाला, दार्जिलिंग, ये सब कहाँ पड़ते हैं? ये सब हिमाचल रीजन में पड़ते हैं। रोहतांग पास इन द हिमाचल प्रदेश, नथुला इन सिक्किम एंड बोमदी ला इन अरुणाचल प्रदेश आर सम इम्पॉर्टेंट माउंटेन पासिस इन द रीजन, और इन रीजन के बीच में कुछ इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स पास होते हैं। कहाँ कहाँ पर? रोहतांग पास में जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है आपका, नथुला सिक्किम में पड़ता है, और बोमडिला जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर आपको माउंटेन्स देखने के लिए मिलते हैं। शिवालिक द लोअर हिमालयाज, अब हम पढ़ेंगे शिवालिक के बारे में। द शिवालिक रेंज फॉर्म्स द साउदर्न मोस्ट एंड द लोएस्ट रेंज, जो शिवालिक रेंज है वो कौन सा बनाती है? साउदर्न मोस्ट और जो सबसे लोएस्ट यानी कि सबसे नीचे पहाड़ियाँ हैं उसको हम कहते हैं शिवालिक रेंज। इट कंजिस्ट ऑफ हिल्स रादर देन माउंटेन्स, और यहाँ पर माउंटेन्स नहीं है, हिल्स हैं यानी कि छोटी पहाड़ियाँ देखने के लिए मिलती हैं। विलेजर्स ऑफ दिस रीजन कल्टिवेट द स्लोप टू ग्रो क्रॉप्स लाइक राइस, पोटैटोज एंड अदर वेजिटेबल्स, यहाँ के जो विलेजर्स हैं मतलब आसपास यहाँ गांव में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप यहाँ पे स्टेप फार्मिंग बोलते हैं इसको, ऐसे सीढ़ी के जैसे खेत बनाते हैं और इस पर जो है खेती करते हैं। किस किस चीज़ की? कौन कौन सी क्रॉप्स? लाइक राइस, पोटैटोज और अदर वेजिटेबल्स, पोटैटोज, राइस या फिर वेजिटेबल्स। टेरेस फार्मिंग इज डन ऑन द स्लोप ऑफ दीज हिल्स, दीज हिल्स वो कह रहे हैं टेरेस फार्मिंग भी इन स्लोप पर की जाती है। कैटल रेयरिंग ऑल्सो कॉमन, कैटल रेयरिंग यानी कि जो आप गाय भैंस को चराते हैं वो भी यहाँ कॉमनली देखने के लिए मिल जाता है।
The beautiful thick forest of the Shivalik foothills are a home to wild animals like elephant, snow leopard and rhinoceros. वो कह रहे हैं कि यहाँ का जो बहुत खूबसूरत और जो घना जंगल है शिवालिक फुटहिल्स का, वो बहुत से जंगली जानवरों का जैसे एलिफेंट, स्नो लेपर्ड और रेनोसॉर्स का घर है। इस तरह के एनिमल्स यहाँ पर इजीली देखने के लिए मिल जाते हैं। द रीजन टू द साउथ ऑफ द शिवालिक रेंज इज कॉल्ड द तेराई। और जो साउथ शिवालिक रेंज के साउथ में जो रीजन है उसको हम क्या कहते हैं, उधर की साइड की जो शिवालिक रेंज है उसको हम कहते हैं तेराई। इट इज़ अ फ्लैट मार्शी एरियाज और ये एक फ्लैट सरफेस है, फ्लैट एरिया है। और यहाँ पर कौन सी क्रॉप्स हम उगाते हैं, वेयर क्रॉप्स लाइक राइस, वीट, शुगर केन आर कल्टिवेटेड। और यहाँ पर राइस, वीट और शुगर केन की खेती की जाती है। द हिमालयाज अ नेचुरल बाउंड्री। अब हम पढ़ेंगे हिमालयाज एक बाउंड्री की तरह, नेचुरल बाउंड्री की तरह कैसे काम करता है हमारे लिए। द हिमालयाज स्टैंड एज अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन द टू कंट्रीज। देखिए जैसे आप दो घर होते हैं उसके बीच में आप एक बाउंड्री वॉल कर देते हैं, तो हिमालयाज जो है वो एक नेचुरल बाउंड्री की तरह काम करता है। हिल्स है ये दो कंट्रीज के बीच में, इंडिया और चाइना के। दे हैव बीन प्रोटेक्टिंग इंडिया फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन्स सिंस टाइम्स इमेमोरियल। और ये पता नहीं कितने समय से इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहा है फॉरेन इन्वेजन से। दे प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ टू एंटर द प्लेन्स। इसके साथ साथ ही नॉर्थ से आने वाली जो बर्फीली ठंडी हवाएं होती हैं उससे भी ये हमें बचाते हैं। दे ऑल्सो प्रिवेंट द रेन बियरिंग विंड्स फ्रॉम द लिविंग इंडिया। और ये हमें जो रेन बियरिंग विंड्स होती हैं आंधी तूफान, उससे भी हमें बचाते हैं। इट रिजल्ट्स इन हैवी रेनफॉल ओवर द कंट्री। मेल्टिंग स्नो ऑफ हिमालयाज ग्लेशियर्स प्रोवाइड वाटर टू आवर रिवर्स थ्रू आउट द एयर। और यहाँ के जो ग्लेशियर्स होते हैं, क्योंकि हमेशा यहाँ पर बर्फ होती है, ग्लेशियर्स जो है वो नीचे आके मेल्ट होते रहते हैं और जिसकी वजह से हमें पूरे साल पानी मिलता रहता है हमारी नदियों में। वी ऑब्टेन वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। और इससे अलावा हमें बहुत से वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ से मिलते हैं। क्या क्या, सच एज टिम्बर, हनी, मेडिसिन, रेजिन एक्सेट्रा। इस तरह की चीज़ें हमें हिमालयाज से मिलती रहती हैं। मैनी एनिमल्स, बहुत से एनिमल्स सच एज जैसे कि वाइल्ड याक, स्नो लेपर्ड, टाइगर एंड राइनोसोर्स आर फाउंड हियर। इस तरह के एनिमल्स जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। लाइफ इन द माउंटेन्स, अब देखते हैं माउंटेन्स पे लाइफ कैसी होती है। द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। वो कह रहे हैं जो नॉर्दर्न माउंटेन रीजन है उसमें कौन कौन से स्टेट आपके इंक्लूड हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट। ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर हैज़ टू कैपिटल्स। जम्मू कश्मीर की टू कैपिटल्स हैं, श्रीनगर द समर कैपिटल, समर्स में श्रीनगर, एंड जम्मू द विंटर कैपिटल और विंटर्स में जम्मू। कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, पहाड़ी एंड लद्दाखी आर द मेन लैंग्वेज स्पोकन हियर। यहाँ के लोग जो मेन लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो इनकी मेन लैंग्वेज कौन सी है, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, पहाड़ी, लद्दाखी। लद्दाख इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर। लद्दाख कहाँ पर है, लद्दाख है आपके जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में। इट हैज़ ड्राई एंड एरिड माउंटेन्स विद वेरी लिटिल वेजिटेशन। यहाँ के जो पहाड़े हैं, माउंटेन्स हैं, वो बहुत सूखे हैं। द वैलीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट ऑफ चिनार ट्रीज। लेकिन जो वैली है, जो घाटी है जम्मू कश्मीर की, वो बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं वहाँ पर। किस चीज़ के, चिनार के बड़े बड़े पेड़ वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। द वुलर एंड डल लेक एड टू द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द स्टेट। जो यहाँ पर दो लेक हैं, वुलर लेक और डल लेक, ये यहाँ की खूबसूरती को प्राकृतिक रूप से बढ़ाते हैं, इस स्टेट को की खूबसूरती को। वी कैन सी शिकाराज एंड हाउस बोट हेयर। हमें यहाँ पर शिकारा और हाउस बोट जो है देखने के लिए मिलती है। ओके, अ नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री विजिट जम्मू एंड कश्मीर एवरी ईयर। क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो पूरी कंट्री से
यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, अपने वेकेशंस को एंजॉय करने के लिए. दे एंजॉय, क्या क्या एंजॉय करते हैं वो? बोटिंग इन शिकारास. देखिए इसको शिकारा बोलते हैं, इस टाइप की जो बोट है वो इधर देखने के लिए नहीं मिलती ना, ये वहीं पर देखने के लिए मिलती है, इसको शिकारा बोलते हैं. ये बोटिंग जो है लोग इंजॉय करते हैं. एंड स्कीइंग इन गुलमर्ग. और गुलमर्ग किस लिए फेमस है? स्कीइंग के लिए. देखिए यहाँ पर ऐसे बर्फ में स्कीइंग के लिए लोग जाते हैं. श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, द टेम्पल ऑफ वैष्णो देवी एंड अमरनाथ केव्स आर सम प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन. और जो आपके मंदिर हैं, वैष्णो माता का मंदिर है और आपके अमरनाथ केव्स जो हैं वो भी यहीं पर हैं और मेन अट्रैक्शन है जहाँ पर टूरिस्ट सबसे ज़्यादा जाते हैं दर्शन के लिए. मैन एंड वुमेन जनरली वेयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स. जो यहाँ पे मैन वुमेन जो यहाँ के हैं वो जनरली जो वहाँ के ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं उन्हीं को पहनना पसंद करते हैं, जैसे फिरन एंड सलवार. कश्मीर इन कूल इज कूल इन समर एंड वेरी कूल इन विंटर्स. यहाँ पर गर्मियों में भी ठंड रहती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है. पीपल ऑफ कश्मीर कैरी कांगड़ी. जो कश्मीर के लोग होते हैं वो कांगड़ी एक छोटी सी होती है जैसे अंगीठी टाइप की, उसको अपने साथ में हमेशा रखते हैं. अ स्मॉल पॉट, ये एक छोटा सा स्मॉल पॉट होता है विद बर्निंग कोल, जिसमें जलता हुआ कोयला रखा होता है, टू कीप देमसेल्फ वार्म इन विंटर मंथ, जिससे कि वहाँ की जो बहुत ज़्यादा ठंड होती है उससे वो बच सकें. दे लाइक टू ड्रिंक द ट्रेडिशनल ग्रीन टी कॉल कहवा. और जैसे हम लोग चाय पीना पसंद करते हैं, ये लोग क्या करते हैं वहाँ की जो ट्रेडिशनल टी है कहवा उसको पीना पसंद करते हैं. द वर्क पीपल डू डिपेंड अपॉन द सीजन्स ऑफ द ईयर. जो वहाँ के लोग काम करते हैं वो डिपेंड करता है वहाँ के सीजन पर. क्रॉप सच एज राइस, मेज, सेफ्रॉन, राजमा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन समर. जो वहाँ का समर सीजन है वहाँ पर वो क्रॉप्स उगाते हैं. कौन कौन सी? राइस, मेज, सेफ्रॉन, राजमा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. पीपल मेक हैंडीक्राफ्ट्स, कारपेट्स एंड शॉल्स ड्यूरिंग विंटर एज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप्स इन सीजन. क्योंकि विंटर्स में वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और पॉसिबल नहीं होता है बाहर जाके क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने का, तो इस टाइम पे वो क्या करते हैं हैंडीक्राफ्ट काम करते हैं, जैसे कारपेट बनाना, शॉल्स बनाना, इस तरह का काम जो है वो विंटर्स में करते हैं. नाउ कम टू हिमाचल प्रदेश. इट इज़ फुल ऑफ स्नो कैप्ड माउंटेन्स. हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ के जो माउंटेन्स है वो पूरे स्नो से कवर्ड रहते हैं. लश ऑर्किड्स एंड ब्यूटीफुल मीडोज. इट इज़ कूल इन समर्स एंड वेरी कोल्ड इन विंटर्स. यहाँ पर बहुत खूबसूरत ऑर्किड बगीचे और बहुत खूबसूरती यहाँ पर देखने को मिलती है. ये समर्स में ठंडा रहता है और विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है. इट हैज़ मैनी फेमस हिल स्टेशन. यहाँ पर भी बहुत जो फेमस हिल स्टेशन हैं जहाँ पर आप अपने वेकेशन इंजॉय करने के लिए जाते हैं वो यहाँ पर लाइक करते हैं, जैसे सच एज शिमला, कुल्लू, मनाली एंड डलहौजी. शिमला इज़ द कैपिटल सिटी. ओके, और शिमला जो है यहाँ की कैपिटल सिटी है. स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग एंड ट्रैकिंग आर द मेन एक्टिविटीज़ विच टूरिस्ट इंजॉय. जब यहाँ पर टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं तो मेन एक्टिविटीज़ वो क्या इंजॉय करते हैं? स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग. ओके, ये यहाँ के मेन अट्रैक्शंस हैं. मेज, राइस, बार्ले, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन हेयर. यहाँ पर किस चीज़ का क्रॉप प्रोडक्शन होता है? आपके मेज, राइस, बार्ले, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. दे ऑल्सो रेयर डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक गोट एंड शीप. और ये घर पे कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स भी रखते हैं जैसे कि गोट एंड शीप. हिंदी एंड पहाड़ी आर द मेन लैंग्वेजेस. इनकी जो मेन लैंग्वेज होती है वो होती है हिंदी या फिर पहाड़ी. पीपल वेयर वुलन कोट्स एंड फिरन्स अलॉन्ग विद पजामा एंड चूड़ीदार. यहाँ के लोग क्या पहनते हैं? वुलन कोट्स पहनते हैं और फिरन्स पहनते हैं पैजामा या चूड़ीदार के साथ. ये यहाँ पर दिखाया गया है इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस. मैन वेयर एम्ब्रॉयडर्ड वुलन कैप. और यहाँ पे जो मैंस होते हैं वो इस तरह की एम्ब्रॉयडरी की हुई वुलन कैप्स पहनते हैं. वुमेन वेयर ट्रेडिशनल ब्राइट स्कार्फ्स कॉल्ड डाजू. और वुमेन्स जो है वो ब्राइट कलर के स्कार्फ्स पहनती हैं हेड पे, जिसको हम डाजू कहते हैं. पीपल ऑफ द कुल्लू रीजन सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ दशहरा. जो यहाँ के लोग मेन फेस्टिवल इंजॉय करते हैं वो है दशहरा. नेक्स्ट उत्तराखंड.
उत्तराखंड इज ऑल्सो कॉल्ड देवभूमि, लैंड ऑफ गॉड. उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, यानी कि देवी देवताओं की भूमि. इट इज लोकेटेड इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज. ये हिमालयाज के फुट हिल्स यानी कि नीचे लाया करता है. देहरादून इज द कैपिटल सिटी. यहाँ की कैपिटल सिटी है देहरादून. उत्तराखंड इंक्लूड्स, उत्तराखंड में क्या क्या आता है आपका? गढ़वाल एंड कुमाऊं हिल रेंज, गढ़वाल रेंज और कुमाऊं हिल रेंज. फॉरेस्ट ऑफ ओक एंड रोडेंड्रोन ट्रीज आर फाउंड इन उत्तराखंड. उत्तराखंड में आपके ओक ट्रीज देखने को मिलते हैं और रोडेंड्रोन ट्रीज देखने को मिलते हैं. मोस्ट पीपल हेयर आर फार्मर्स. ज़्यादातर लोग यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं, फार्मर्स होते हैं, किसान. मैनी ऑफ देम ऑल्सो सर्व इन आर्मी. और कुछ लोग जो हैं आर्मी में भी जाते हैं. नैनीताल, मसूरी एंड रानीखेत आर द पॉपुलर हिल स्टेशंस. उत्तराखंड हैज़ मैनी प्लेसेज ऑफ रिलीजियस इम्पॉर्टेंस. वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मेन आपके टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर आप वेकेशंस के लिए जा सकते हैं, वो है आपका नैनीताल, मसूरी, रानीखेत. ये पॉपुलर हिल स्टेशंस हैं यहाँ के. लेकिन उत्तराखंड जो है वो रिलीजियस इम्पॉर्टेंस के लिए ज़्यादा जाना जाता है, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब. यहाँ पर लोग दर्शन के लिए जाते हैं. इन विंटर, विंटर्स में मैन वेयर्स वुलन कोट. यहाँ पे जो मैंस होते हैं वो वुलन कोट पहनते हैं एंड पैजामा, पैजामा के साथ. एंड इन समर और समर्स में शर्ट्स, पैजामा और ट्राउजर्स, इस टाइप के कपड़े वो यूज़ करते हैं पहनने के लिए. वुमेन वेयर साड़ीज. हेयर जो वुमेन्स होती हैं यहाँ की वो मेनली साड़ी पहनती हैं. सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल. नाउ कम टू सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल. सिक्किम इज़ ए स्मॉल बट ब्यूटीफुल स्टेट. सिक्किम एक छोटा स्टेट है लेकिन बहुत खूबसूरत स्टेट है. समर्स आर कूल. यहाँ पे गर्मियों में ठंड रहती है. एंड विंटर्स आर वेरी कूल. और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है. इट गेट्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून. मानसून के टाइम पे बारिश यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है. देयर आर वेरी हाई माउंटेन रेंजेस एंड फर्टाइल रिवर वैलीज. यहाँ पर माउंटेन रेंज भी देखने के लिए मिलती है बहुत हाई, और फर्टाइल रिवर वैलीज भी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है. इट इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल ऑर्किड. और ये अपने ब्यूटीफुल ऑर्किड्स के लिए फेमस है. हिमालयन ब्लैक बेयर एंड रेड पांडा आर फाउंड हियर. यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स में ब्लैक बेयर और रेड पांडा पाए जाते हैं. एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. यहाँ के लोगों के लिए जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है एग्रीकल्चर. कार्डमम, ऑरेंज, एप्पल, टी, राइस एंड ऑर्किड्स आर ग्रोन हेयर. यहाँ पर कार्डमम, इलायची, ऑरेंज, एप्पल, टी, राइस, इन चीज़ों के आपको ऑर्किड बगीचे देखने के लिए मिलते हैं. गंगटोक इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ सिक्किम. और सिक्किम की जो कैपिटल है वो कौन सी है? सिटी है सिक्किम. द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एक्सटेंड टू द बे ऑफ बंगाल. जो ये स्टेट है वेस्ट बंगाल का, ये कहाँ तक एक्सटेंड है? बे ऑफ बंगाल तक. दार्जिलिंग द ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इज लोकेटेड हेयर. बहुत पॉपुलर और ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है दार्जिलिंग, वो यहीं पर है. टी ऑफ द हाई क्वालिटी इज ग्रोन हेयर. और यहाँ की जो टी होती है वो बहुत ज़्यादा फेमस होती है. देखिए यहाँ पर दिखा रखा है आपको टी गार्डन. द टी गार्डन ऑफ दार्जिलिंग प्रोड्यूस फाइन टी. देखिए इस तरह का होता है टी गार्डन. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. अब हम पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में. द सेवन स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया आर ऑल्सो कॉल्ड द सेवन सिस्टर. नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में सेवन स्टेट्स हैं जिनको हम सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं. अरुणाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट. जो लार्जेस्ट स्टेट है वो एरिया वाइज वो है आपका अरुणाचल प्रदेश. इन द नॉर्दर्न ईस्ट कहाँ लाया करता है? नॉर्थ ईस्ट में. ईटानगर इज द कैपिटल सिटी. यहाँ की कैपिटल सिटी क्या है? ईटानगर. ड्यू टू हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से पीपल बिल्ड स्टिल्ट हाउसेज हेयर. यहाँ स्टिल्ट हाउसेज हेयर, यहाँ पर लोग जो हैं स्टिल्ट हाउसेज बनाते हैं. दीज हाउसेज प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन एंड वाइल्ड एनिमल. इस तरह के जो हाउसेज होते हैं वो इनको यहाँ के लोगों को बारिश से और यहाँ के जो जंगली जानवर हैं उनसे बचाते हैं. देखिए ये आप देख रहे हैं ऐसे पिलर्स पे ऊपर ऐसे वुड के बने हुए हैं, इनको स्टिल्ट हाउस कहा जाता है. मणिपुर इज अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेट. यहाँ का दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेट है मणिपुर. इम्फाल इज द कैपिटल सिटी, जिसकी कैपिटल सिटी है इम्फाल. हेयर पीपल आर जनरली फार्मर्स एंड वीवर्स. यहाँ के लोग या तो फार्मिंग करते हैं,
किसान हैं या फिर वीवर्स हैं, वीविंग करते हैं। फार्मर्स हेयर ग्रोन राइस, जो फार्मर्स होते हैं वो क्या उगाते हैं, क्या ग्रो करते हैं, राइस, जूट, शुगर केन एंड फ्रूट्स। दे ऑल्सो मेक ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स बैम्बू, और बैम्बू से ही बहुत अच्छे अच्छे बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें भी बनाते हैं, लाइक बास्केट्स एंड ऑल। देयर इज अ हैवी रेनफॉल इन स्टेट ऑफ मेघालय, मेघालय स्टेट में बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इट्स कैपिटल शिलोंग इज अ वेरी ब्यूटिफुल हिल स्टेशन, मेघालय की जो कैपिटल सिटी है शिलोंग, ये बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है जहाँ पर आप अपने वेकेशंस को एंजॉय करने के लिए जा सकते हैं। मिजोरम इज़ अ स्मॉल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो मिजोरम है ये बहुत छोटा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, और इट्स कैपिटल इज़ आइजोल, यहाँ की जो कैपिटल है वो है आइजोल। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन मिजोरम, मिजोरम के जो लोग हैं उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है एग्रीकल्चर। नागालैंड हैज़ अ नंबर ऑफ ट्राइब्स, नागालैंड जो है वहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स हैं। कोहिमा इज़ द कैपिटल ऑफ कैपिटल सिटी, और यहाँ की कैपिटल सिटी है कोहिमा। फार्मर्स ग्रो, यहाँ पे फार्मर्स क्या करते हैं, क्या ग्रो करते हैं, राइस, मेज, मिलेट एंड ऑरेंज। द नागास वेयर शॉल्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस, ट्राइब्स होती है प्रजाति जो आपकी होती है, और नागास क्या पहनते हैं, मेनली शॉल्स पहनते हैं अलग अलग तरह के डिज़ाइंस के। ओके, इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है वो ओवर होता है। आई होप आपने बहुत इंजॉय किया होगा इसको, बहुत सारे हिल स्टेशन पे आप घूम आए इस चैप्टर के साथ में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है यहाँ चैप्टर में, या कोई कंफ्यूजन अगर आपको होती है, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। एक्सरसाइज डन करके आपके पास सेंड की जा चुकी है, उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और लर्न कीजिए। थैंक यू।